मुंबई पुलिस को सलाम। नाला सोपारा में दिन के उजाले में घटी चोरी की घटना। 50,000 रुपए कैश और गहने चुराए चोरों ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज में फारूक शाह। वसई विराट क्षेत्र में फिर से चोरी की घटनाओं में बढ़ोतरी होती जा रही है और ऐसी ही एक घटना हमारे सामने आई है जो वसई नालासोपारा लिंक रोड पर स्थित सारथन बैंक के नज़दीक में साईं दर्शन अपार्टमेंट में इस समय मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे शनिवार के दिन एक चोरी की घटना हुई है। बहुत ही सातिराना अंदाज में इस चोरी को अंजाम दिया गया। वसई लिंक रोड स्थित ओम प्रकाश दुबे के घर का ताला किसी आधुनिक यंत्र द्वारा बिना आवाज के चोरों ने दिन के उजाले में तोड़ा। साईं दर्शन के उस मकान में मैं खड़ा हूँ जहाँ पे चोरी हुआ है और उनके परिवारजनों को जो धक्का लगा इस चोरी से, जो उनका नुकसान हुआ, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। हमारी मिसेज यहाँ से 2:30 बजे निकली, अपने भाई के घर में गए, वहाँ से 11 बजे आई। ये देख रहे हैं दरवाजे का लॉक बिल्कुल खुला हुआ था, फिर इन्हें ऐसा लगा कि घर में चोरी हो गई। इसके बाद में इन्होंने जब ऐसे अंदर वाले दरवाजे को हाथ लगाया तो वो अपने आप खुल गया। तो अंदर देख रहे हैं तो बेडरूम के अंदर सारे सामान बिखरे पड़े हुए, अलमारी कपाट टूटे हुए हैं, फिर किचन में भी एक इनका पर्सनल था कपाट जो देखे वो भी तोड़ा हुआ था, उसमें भी जो कुछ था वो सब देखे। उसको इस सातिराना अंदाज में तोड़े हैं कि कोई मतलब थंब इम्प्रेस भी वहाँ पर न हो सके। और वो इस तरह से इक्विपमेंट उनके पास थे जो कि बगैर हाथ लगाए ही सब काम किए हैं। असल बहुत हाँ इस ढंग से तोड़े हैं कि एक बार देख के ऐसा लगता नहीं, ये आदमी दरवाजे में जरा से आवाज़ तक नहीं हुई, खटका तक नहीं, और इतना बड़ा कांड करके ये लुक चले। हमारी बहू के 4 पायल थे और 2 पेटियाँ थी, हमारे पोते का एक चैन था, एक ब्रेसलेट था और हमारा एक चैन था, हमारी बीवी के मंगलसूत्र थे, एक चैन थी, इनके पायल थे और एक अंगूठी थी हमारी, एक इनकी अंगूठी थी, कैश 50,000 रुपये थे। एक हमारे साले आए थे गांव से, उनके भी 10,000 उनके बैग में थे, वो भी लेके। लगभग 4 लाख तक का नुकसान हुआ परिवार का। घर वालों का शक है कोई जान पहचान वाला ही ऐसा कर सकता है। सकते ही किसी ने जाने पहचाने में ही किया है, उसको हमारे घर का हर चीज पता था, क्या कैसा है, मम्मी की चीजें कहाँ होती है, देवरानी के रूम में चीज़ें कहाँ होती है, मतलब प्रॉपर किसी उसको हमारे घर का पूरा मतलब एक हिसाब से बोल सकते ब्लूप्रिंट पता है, हम लोग कैसे डोर बंद करते हैं, कब कहाँ बाहर करते हैं, बस उसको प्रॉपर पता है। मुझे अंदाजा लग रहा है कर सकता है कि किसी ने जाने पहचाने में ही किया है, उसको हमारे घर का हर चीज़ पता था, क्या कैसा है, मम्मी की चीज़ें कहाँ होती है, देवरानी के रूम में चीज़ें कहाँ होती है, मतलब प्रॉपर किसी उसको हमारे घर का पूरा मतलब एक हिसाब से बोल सकते ब्लूप्रिंट पता है, हम लोग कैसे डोर बंद करते हैं, कब कहाँ बाहर करते हैं, बस उसको प्रॉपर पता है। मुझे अंदाजा लग रहा है सैटरडे को 3 से 6 के बीच में बहुत अंधेरा था और बहुत जोरों की बारिश हो रही, उसी टाइम पीरियड में ये हुआ होगा क्योंकि 2:30 तक तो हम सब घर पे ही थे, 2:30 को हम लोग सब लोग निकले। देवरानी का वो रूम में होता है, मम्मी का पर्सनल वार्डरोब है, मम्मी का उसमें होता है। तो यानी चोर ने हर जगह घर में सोने वाले तलाशी ली है। हो सकता है, डर है क्योंकि बच्चे हैं, हम लोग कभी रहते हैं, मदर इन लॉ है हमारी, वो हार्ट पेशेंट है, बीपी है, डायबिटीज है, उनको 10 बीमारी है, जब से परसों से ये हुआ है वो ऑलरेडी उनका बीपी हाई है, वो टेंशन में है, तो डर तो हो ही गया है। तो डर वो बेटर था कि 2:30 में हमारे घर पे कोई नहीं था, अगर वो इंसान अगर उस टाइम घर पे होता तो हो सकता है किसी को कुछ हो भी जाता। घर में चोरों ने बस वहीं हाथ लगाया जहां कीमती सामान और पैसे थे। सोसाइटी देखरेख कर्मचारी ने क्या कहा? खाने के कितने बजे आप गए थे? 2 बजे आपने खाने ले गए, बराबर। तो आप जब यहां से गए तो यहां पे माहौल सब ठीक था, ऐसी कुछ बातें इनके घर पे लोग थे? नहीं थे, इनके घर आंटी और ये लोग इधर से जा रहे थे ना, इधर से जा रहे थे, इधर से मैं खाना खाने जा रहा था। आपने देखा इनको जाते हुए? ओके, फिर उसके बाद आप वापस कभी आए? वापस मैं आया 4 बजे रुपये था, 4 बजे रुपये था और उसके बाद बारिश आ रही थी, मैं बाहर नहीं आया। शाम को मीटिंग, कल संडे को मीटिंग था, तो मीटिंग कैंसिल करने के लिए सोसाइटी बोली कि मीटिंग कैंसिल है करके 9 बजे शाम, रात को 9 बजे मीटिंग कैंसिल करते बोल के मेरे को सबको बोल दे करके मैं आया। इधर देखे बोलिए, तो मैं आया, उसके बाद यहाँ देखा तो कड़ी लगा था, कुछ भी जरा भी। लगभग कितने बजे की बात है जब आप आए और देखे?
9 बजे के आसपास उनके घर पे आए तो आपने देखा कड़ी कड़ी लगा था, बारिश कड़ी लगा। इस घटना से सिर्फ पीड़ित परिवार ही नहीं सोसाइटी मेंबरों में भी दहशत है। 10 बजे के करीब पूरे बिल्डिंग में 30 फ्लैट में 2 लड़के आए और वो बोले कि दरवाजा खिड़की बंद कर लीजिए। मैं बोला तो मैं आ गया दरवाजे, मैं बोला क्यों बोल रहे हो दरवाजा खिड़की बंद कर लीजिए। बोले बाजू के बिल्डिंग में हम छत्ता मधु का निकाल रहे हैं और उसमें से शहद निकालेंगे, तो आपको शहद चाहिए? मैं बोला नहीं कुछ नहीं चाहिए और तुम लोग नीचे जाओ और किसी का भी बेल मत मारो। लेकिन फिर भी वो लोग सबको यही कंडीशन पूछे। उसके बाद मैं आधे घंटे बाद देखा कि वो लोग एक लंबा लड़का था और एक छोटा साइज में 2 लड़के थे। तो मैं आया उसके बाद यहाँ देखा तो कड़ी कड़ी लगा था कुछ भी जरा भी। लगभग कितने बजे की बात है जब आप आए और देखे? 9 बजे के आसपास उनके घर पे आए तो आपने देखा कड़ी कड़ी लगा था, बारिश कड़ी लगा। इस घटना से सिर्फ पीड़ित परिवार ही नहीं सोसाइटी मेंबरों में भी दहशत है। 10 बजे के करीब पूरे बिल्डिंग में 30 फ्लैट में 2 लड़के आए और वो बोले कि दरवाजा खिड़की बंद कर लीजिए। मैं बोला तो मैं आ गया दरवाजे, मैं बोला क्यों बोल रहे हो दरवाजा खिड़की बंद कर लीजिए। बोले बाजू के बिल्डिंग में हम छत्ता मधु का निकाल रहे हैं और उसमें से शहद निकालेंगे, तो आपको शहद चाहिए? मैं बोला नहीं कुछ नहीं चाहिए और तुम लोग नीचे जाओ और किसी का भी बेल मत मारो। लेकिन फिर भी वो लोग सबको यही कंडीशन पूछे। उसके बाद मैं आधे घंटे बाद देखा कि वो लोग एक लंबा लड़का था और एक छोटा साइज में 2 लड़के थे, बाल्टी लेके जा रहे थे। और उसके बाद में फिर मैं शाम को जब करीब 10, 10:30, 11 बजे मैं रात को आया तो हमको बिल्डिंग वाले बताए कि दुबे जी के यहाँ चोरी हो गई। तो मैं भी स्वयं यहाँ आके देखा और ऐसी घटना देख के फिर मैं भी डिप्रेशन में चला गया और हमारी वाइफ भी मतलब एकदम डिस्टर्ब हो गई। वो हम मैं और मेरा वाइफ यहाँ 2 ही जन रहते हैं, बाकी हमारा परिवार पूरा मलाड में रहता है। तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा कोई भी आएगा बेल मार के दरवाजा तोड़ के हमको जान से मार देंगे ये वो। तो अब हमको तो कुछ समझे नहीं आ रहा है, मैं कल से एकदम डिस्टर्ब। चोरी हुआ और वो भी दिन दहाड़े, साथ में घर के सामान गए लेकिन दहशत छोड़ गए। दहशत ये है कि घर में बुजुर्ग रहते हैं, परिवार के बच्चे रहते हैं। इस तरीके से अगर दिन में कोई चोरी की घटना होती है और लोगों को पता तक नहीं चलता तो ये एक संकेत देता है कि आने वाले वक्त में अगर ऐसी घटनाओं पर अंकुश नहीं लगाया गया तो बहुत बड़ी दुर्घटना होती है।